हेलो दोस्तों, उर्मी लाइफ मुंबई में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं ना आज मार्केट जाने वाली हूँ फ्रूट लेने के लिए। अगर हो पाएगा तो वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, पुलिस वाले जगह जगह पर खड़े हैं। तो हो पाएगा तो मैं ज़रूर वीडियो शूट करूँगी वहाँ का भी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, दीदी भी रेडी होने वाली है, तो बस अभी कुछ ही मिनटों में हम निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, हम आ चुके हैं मार्केट में। आगे आगे मेरी दीदी है और मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, तो इसीलिए मैं पीछे रह गई थी। दीदी को बोला आप आगे आगे जाइए, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में अगर वीडियो शूट करते हैं ना तो वीडियो अच्छा नहीं आता है। इसीलिए मैंने एकदम स्लो करके वीडियो बनाया था, देखिए, नहीं तो फिर कैमरा इधर उधर हिलता है ना, अच्छे से कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये मेरी दीदी है, हम दोनों देवरानी जेठानी हैं और बहनें भी है, तो कहीं पर भी निकलना है तो हम साथ में निकल जाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, हमारी बड़ी फैमिली भी है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हॉर्स भी रखे हुए थे, खिलौने बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे, देखिए। तो ये है फ्रूट, यहाँ से हमने फ्रूट ले लिया है, ओनली मैंगो लिया है, क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है ना, तो इसीलिए हमने ओनली मैंगो ले लिया है। और इसकी रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर कर दी है, आपने देख ली होगी। दोस्तों, एक साइड बन रही है मैगी और दूसरी साइड बन रही है चावल के आटे की, हमने चकरी बनाई थी ना धूप में सुखाने वाली, वही है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगती है, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल के रेडी होती है, और चाय के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। अब इवनिंग का टाइम है, तो ये दीदी बना रही है यहाँ पर चकरी और मैं यहाँ पर मैगी बना रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा शुभम बाबू निकाल रहा है मैगी, इसको नहीं पता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, छुपके से मैंने वीडियो बनाई है इसकी। तो दोस्तों, आप भी आ जाइए मैगी खाने के लिए, यहाँ पर हमारे बच्चे खा रहे हैं मैगी। जैसे लॉकडाउन आ चुका है ना, वैसे बच्चों की आदत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी टीवी देख देख के खा रही है मैगी, या तो फिर मोबाइल हाथ में चाहिए तभी जाके खाना खाते हैं। तो बस भगवान से यही दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए, ताकि बच्चे स्कूल जाए और वापस उनकी स्टडी स्टार्ट हो जाए। मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर मेरे गार्डन का वीडियो शूट करूँगी, और कौन से काम के मेरे गार्डन में पौधे लगे हुए वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।